अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube की बड़ी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अगर आपके घर कोई मेहमान आ गए हैं, सिर्फ आपने चावल बनाए हुए दाल के साथ, और अगर आप कोई बहुत ही मज़ेदार बम किस्म की कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। चावल के साथ, नूडल्स के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, इवन प्लेन बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। चीज़ें इसमें इंतहाई कम डलने वाली जो कि हमारे पास हमेशा मौजूद होती हैं। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। लिया है मैंने एक अंडा, इसमें मैंने डाल दिया है, मैंने लिया है एक पाव बोनलेस चिकन, उसको मैंने छोटे क्यूब्स कर लिए थे। उसमें मैंने डाले हैं 1 टीस्पून से भी कम तकरीबन डाला है मैंने सॉल्ट, 1 टीस्पून ही डाली है मैंने ब्लैक पेपर, और 1 टेबल स्पून डाला है मैंने गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर नहीं है आप लहसुन अदरक का, ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट बना के डालें, पेस्ट नहीं है, आप उसे बारीक चॉप करके डालें। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है इसमें कॉर्नफ्लावर को। इसमें मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये थोड़ा बहुत रिजेंबल है हमारे चिकन मंचूरियन से, लेकिन इसमें बहुत कम चीज़ें डलती हैं, इसमें वेजिटेबल्स नहीं डलते। इसमें हमारा बेसिकली गार्लिक सेसमी चिकन है, तो इसमें सिर्फ सेसमी चाहिए हमें, यानी कि थोड़े से तेल और बहुत सारा गार्लिक, जितना आपको पसंद हो। अब मैंने इसमें डाल दिया है चिकन को। वैसे ये जो इसकी चिकन की बोटी हैं, इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और मैरिनेट कर लिया, और ये बोटियाँ भी बहुत मज़ेदार लगती हैं। आप यकीन करें, तीनों बच्चे मेरे साथ हैं, इवन एहसन जो कि माशाल्लाह अब 8 महीने का हो चुका है, उसके सामने भी मैंने इसको स्टर्ड करके रखा, तो उसने भी ये बहुत मज़े से खा ली थी। यहाँ पे हम इसको फ्राई कर लेंगे, लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ताकि चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और अंदर तक पक जाए। और इसे हम बार बार टर्न नहीं करेंगे, इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे एक बैच को अच्छी तरीके से फ्राई होने में। और ये देखें, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन बोटी भी हम इसे वैसे नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगी, आप बेफिक्र रहें। हमने इसको फ्राई कर लेना है और इसको निकाल लेना है। साथ ही हम इतने ये फ्राई होते हैं, हम अपनी सॉस बनाने की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम बहुत सारा गार्लिक ले लेते हैं, तकरीबन 7 से 8 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं मैंने यहाँ पे। उनको बारीक चॉप कर लिया है। लिया है मैंने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होने पर मैंने डाल दिए हैं इसमें क्लोव्स। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 to 2 टेबल स्पून डाल दिया है इसमें रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस के बाद इसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून भर के डाल दिए हैं मैंने इसमें डार्क सोया सॉस के। आपके पास डार्क नहीं है तो आप प्लेन सोया सॉस भी ले सकते हैं। डार्क सोया सॉस से इसका कलर ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के हमने डालेंगे इसमें ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर के बाद इसमें हम 1/2 टीस्पून डाला है सॉल्ट, और 1/2 टीस्पून ही हम डालेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर डालने के बाद समझिए जो हमारा मेन काम था वो हो चुका है। अब हम इसमें अपना फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद मैंने इसमें तकरीबन शामिल किया है 1 गिलास भर के पानी का, ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए। 1 गिलास डाला है ताकि थोड़ा, अभी हम इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी भी डालेंगे तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा। 1 गिलास से यानी कि आप अंदाज़ा कर लेंगे वो कितनी सर्विंग बन जाएगी। मैक्सिमम ये 2 सर्विंग हमने बना ली है। इसके बाद ये हमने डाली है इसमें 3 to 4 टेबल स्पून केचप के, इसको हम मिक्स कर लेंगे साथ ही। और फिर 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर लेके हम उसकी स्लरी थोड़े से पानी में बना के हम उसमें शामिल कर देंगे। स्लरी डालते हुए हम इसे साथ साथ कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएंगे ताकि कोई लंप ना बन जाए। इससे वैसे थोड़ा कलर भी लाइट हो जाएगा और ये फौरन ही हमारा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इसमें बबल्स आने लग जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे अपने सेसमी तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। और ये लास्ट में हम इसको गार्निशिंग के लिए हमने इसमें डाली है, मैंने इसमें डाली है बहुत सारी हरी प्याज। और ये अब हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सर्व करते हुए भी आप इस पर थोड़े से सेसमी यानी कि तेल जो है वो स्प्रिंकल कर दें, ताकि ये बहुत ही खूबसूरत भी लगें मज़ेदार होने के साथ साथ भी। और ये बिल्कुल हमारा तैयार है खाना खाने के लिए। और अगर आपको ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान बन जाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।